शुक्रवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे जिला फुटबॉल लीग का एक मैच यूनाइटेड यंग्स क्लब और डीबी स्पोर्ट्स के बीच खेला गया। मैच बड़ा ही रोमांचक रहा। दोनों टीमें हाफ टाइम तक बराबरी पर रहीं, लेकिन हाफ टाइम के बाद यूनाइटेड यंग्स क्लब की तरफ से निखिल ने मैदानी गोल कर 1-0 की बढ़ोतरी की, लेकिन थोड़ी देर ही बाद डीबी स्पोर्ट्स की तरफ से जैद अब्बासी ने मैदानी गोल दाग कर 1-1 की बराबरी कर दी। दोनों टीमों की तरफ से 1-1 गोल होने से मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ। लीग के आयोजक सेक्रेटरी जिला फुटबॉल संघ हमजा खान, पूर्व फुटबॉल सचिव एनपी गौड़, सहयोगी कुर्बान अली के नेतृत्व में खेल नियमों के अनुसार जिला फुटबॉल लीग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रेफरी ओम प्रकाश गौड़, संजय साहनी, रतन सिंह मेहताब, मोनू छेत्री, विकास, शिव कुमार श्रीवास्तव अपना योगदान दे रहे हैं। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। मामला तब और बढ़ गया जब एक टीम के समर्थक ने मैदान में आकर खिलाड़ी के ऊपर हाथ उठा दिया। दूसरे खिलाड़ी के बचाव में आए समर्थकों और खिलाड़ियों के बीच काफ़ी देर तक मारपीट होती रही। इस दौरान रेफरी और फुटबॉल संघ के पदाधिकारी मुख्य दर्शक बनकर खड़े रहे। किसी खिलाड़ी और दर्शक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। अंत में कुछ दर्शकों और खिलाड़ियों की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भैया पिछाइए, अरे भैया पिछाइए, कौन सा छोड़ो, भैया पिछाइए, किसान डाउन हो, किसान डाउन, जाओ डाउन जाओ, छोटू छोटू बहुत बढ़िया, आराम से किसान ने मैच मार लिया। अपना